हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनटीपीसी का 7th फेज एग्जाम कब होने वाला, इसके संबंध में। तो फ्रेंड, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो है एक एनटीपीसी 7th फेज एग्जाम डेट शेड्यूल के जारी करने को लेकर एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा था यूट्यूब में, काफ़ी वो वायरल हो रहा था। काफ़ी यूट्यूबर्स ने जो है उस पर वीडियो भी बनाए हैं, ठीक है, जैसे आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो भी बनाया है और उस पर फ्रेंड एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आप देखे होंगे कि उस पर वायरल हो रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, थंबनेल में उस चैनल का लगा दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है वो कॉल रिकॉर्डिंग इसमें शेयर किया गया था और उसमें एक नोटिस भी दिखाया गया था जिसमें कहा गया था 28, 29, 30 तारीख को जो है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ कृषि मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो लेटर जारी किया गया है, वो नोटिस जारी किया गया जिसमें एनटीपीसी का जो बाकी बचा हुआ फेज था, मतलब 7th फेज जो बचा हुआ था, उसका एग्ज़ाम आपका 28 जून 29 जून और 30 जून को होने वाला है, ठीक है। और वो नोटिस आपका जो है 18 तारीख को निकाला गया था, ऐसा उसमें डेट लिखा था और बाकायदा जो ओरिजिनल जैसा होता है उसी प्रकार का वो था नोटिस, ठीक है। लेकिन फ्रेंड, वो किसी भी ऑफिशियल RRB पे वो साइट पे वो अपलोड नहीं था, ठीक है, कि इस डेट को जो है एग्ज़ाम वो RRB का होना है, ठीक है। लेकिन कई चैनलों ने उस पर वीडियो भी बनाया है, कई चैनल ने उस पर कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है बाकायदा उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाया गया था कि हाँ देखिए बात किया जा रहा RRB में, बात किया, कॉल रिकॉर्डिंग दिखाए थे 28-29 जून को जो है, और उसमें RRB का ऑफिसर जवाब भी दे रहे, ऐसा उसमें दिखाया गया था उस चैनल पर, ठीक है। तो उससे संबंध में एक चैनल में जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ था कि चवानी छाप किसी को कह दिया गया था, ठीक है, तो वो सबका मैटर पर मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, वो अलग बात है, सबका अपना अपना सोच है, लेकिन कौन सही है कौन रियल वो तो उसमें पता चल गया, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, दोनों वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, अब जो है जब इस फैक्ट को जो भी वायरल हुआ ये नोटिस, तो इसको जो है PIB जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, ये फ्रेंड बता दूं PIB क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल अपना जो है वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। सारे जो कुछ भी नोटिस रिगार्डिंग होता है या कुछ भी एग्ज़ाम हो या इम्प्लॉयमेंट नोटिस हो, ये जो है उस फैक्ट से होकर ही जाता है, मतलब PIB इंफॉर्मेशन को वो सारा डाटा वहाँ पे शेयर किया जाता है, शेयर उनके पास सारा डाटा का संकलित रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो जब इस नोटिस को उसमें जब भेजा गया, ठीक है, तो उन्होंने जो इसका चेक करके बताया कि इस नोटिस को पूरा तरह से फेक बताया और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से ऐसा कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया जिसमें यह कहा जा रहा है कि 28, 29 और 30 जून को NTPC का 7th फेज एग्जाम होना है, ठीक है, ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है, ये PIB का कहना है। आप उसका स्क्रीनशॉट जो है आप वो देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको वो दिख रहा होगा। अब चलिए उसको जो है मैं उसका ट्विटर हैंडल पे भी दिखा देता हूँ। PIB ने अपने ट्विटर हैंडल पे इस पोस्ट को, इस रिलेटेड पोस्ट को पोस्ट किया है कि उस जिसमें उन्होंने बाकायदा ये भी बताया है कि ये नोटिस जो है बिल्कुल फेक है और स्टूडेंट जो इस भ्रमित में ना पड़े, रेलवे ने किसी भी प्रकार से 7th फेज एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार का इस तरह से नोटिस नहीं जारी किया है जिसमें 28, 29 और 30 को एग्ज़ाम होना है। तो फ्रेंड बता दूँ सारे कैंडिडेट्स के लिए जो NTPC का एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं 7th फेज के लिए, तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 28, 29, 30 को नहीं होना है। PIB ने फेक चेक करके बता दिया है कि वो नोटिस जो है वो पूरी तरह से फेक है, फेक न्यूज़ पर ध्यान नहीं दीजिए फ्रेंड, अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम अभी तो नहीं लेकिन हाँ अगस्त तक में हो सकता है, ठीक है, जुलाई में भी नहीं होने वाला है, अगस्त में आपका हो सकता है, ये इस तरह मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अपना अंदाज से बता रहा हूँ कि हाँ हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोरोना का भी थोड़ा किसी किसी स्टेट में जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है, जैसे झारखंड में बात करें तो ये 15 को जो है वो ख़त्म हो चुका है, वेस्ट बंगाल में शायद ये जुलाई तक बढ़ा दिया झारखंड में, ठीक है, ऐसा ऐसा किसी किसी स्टेट में बढ़ाया गया, तो देखा जा रहा है कि अगस्त तक में ये इसका संभावना हो सकता है, ठीक है। और आपका ग्रुप डी जो है वो अक्टूबर में शुरू हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है और मुझे ऐसा भी कोई नोटिस नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब एक आधार पर बता सकता हूँ और आप भी स्टूडेंट के नाते बता रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है कि अगस्त में आपका NTPC का 7th फेज जो बचा वो हो जाए और आपका जो ग्रुप डी का है वो अक्टूबर से शुरू हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड जानकारी पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आपको PIB के ट्विटर हैंडल पर ले जाते हैं और उसमें देखेंगे कि ऑफिशियली जिसमें PIB ने ट्वीट किया है और उसमें बताया गया कि वो नोटिस जो था वो पूरी तरह से फेक है, तो चलिए उस नोटिस को PIB के ट्विटर हैंडल पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड ट्विटर पर चलिए हम लोग आ गए हैं, देखिए इसमें ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ठीक है, इसमें मैं सर्च करता हूँ PIB फैक्ट, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा PIB सर्च करके कि क्या आपका आ रहा है, ठीक है। आप फ्रेंड मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर आईडी है, ठीक है, इस पर चलिए सर्च करते हैं आपका PIB, ठीक है, आप देखते हैं कि उन्होंने इस रिलेटेड क्या पोस्ट किया था। अब जैसे देखिए मैं फेक यहाँ पे चेक करके चेक किया था मैंने PIB चेक फैक्ट, ठीक है, फैक्ट चेक, इसमें फ्रेंड आपको जो है बताया जाएगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने NTPC के संबंध में यहाँ पे क्या कहा है, ठीक है,
देखिए फ्रेंड, ये नोटिस है यहाँ पे, ठीक है, पीआईबी का, पीआईबी फैक्ट चेक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिस ऑल इलीगली इशूड बाय द रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया क्लेम्स टू बी द सेवेंथ फेज एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, ठीक है। एक नोटिस जो निकाला गया उसमें क्लेम किया जाएगा कि ये रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जा रहा है, जिसमें सेवेंथ फेज का NTPC एग्जाम के लिए बताया गया, ठीक है। तो PIB फैक्ट चेक, ठीक है, दिस नोटिस इज फेक, नो सच नोटिस हैज़ बीन इशूड फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। तो फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि ये नोटिस जो है फेक है, किसी भी तरह का इस तरह एग्जाम रिलेटेड नोटिस जो है वो एग्जाम के रिलेटेड जारी नहीं किया गया, ठीक है। फॉर रिक्वायरमेंट्स विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी भी प्रकार के रेलवे के वेबसाइट पे आप जाएं, यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक फोटो भी यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। PIB फैक्ट चेक, RRB हैज़ नॉट इशूड एनी सच नोटिस फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। अब देख लीजिए, ये वही नोटिस है फ्रेंड जो आप का वायरल हो रहा था और किसी किसी चैनल पे इसे दिखाया गया था, और इसके संबंध में कॉल रिकॉर्डिंग भी उन्होंने जो है वायरल किया हुआ था। देखिए यहाँ पे वही डेट है, सारा दिखाया गया कि द सेवन फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 28, 29 and 30, ठीक है, जिसमें सारा बताया गया था। और वही वाला नोटिस ये फ्रेंड है, तो आप ये नोटिस का डेट भी देख सकते हैं, 18/6/2021 के डेट में ये जारी किया गया था। इसमें PIB ने फेक का मोहर लगा के इसे अपने वेबसाइट पे फॉलो किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंड एस योर क्वेरी, आप जो है किसी भी फैक्ट आपको चेक करना है कोई रिलेटेड, ठीक है, तो आप इस जो है इस नंबर पर आपको उनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या ट्विटर पर आप इसको डालिएगा, तो आपको PIB जो है बता देगा कि ये नोटिस फेक है या नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, इससे पता चलता है कि वो नोटिस जो था वो पूरी तरह से फेक है और उसमें किसी भी प्रकार का 1% भी सत्यता नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड, आप इससे अवेयर रहिएगा और इस प्रकार किसी भी फेक नोटिस के लिए, ठीक है, फेक नोटिस के कारण अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है, ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना विजिट करते रहें, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।